अब उसके बाद संतोष, संतोषादनुत्तम सुख लाभ, संतोष के बारे में भी कल संक्षेप में कह दिया था। संतोष मन संतृप्ति, तृप्ति होना, तृप्ति होने से ही आपको उत्तम सुख लाभ हो सकता है, अथवा जिसको आप सुख लाभ कहते हैं वो तृप्ति ही है, तृप्ति से अतिरिक्त नहीं। जिस विषय में आप प्रवृत्त हो गया उस विषय से आपका मन निवृत्त हो गया, कब? तृप्ति होने पर। उस विषय प्रवृत्ति समाप्त हो गई तो तृप्ति हो गई। भोजन करना आरंभ किया, भोजन से आपका मन तृप्त हो गया, मन भोजन से आपका मन संतुष्ट हो गया, भोजन भर पेट में भर दिया, तो यही संतुष्टि है। तो तृप्ति और सुख साथ साथ रहते हैं, तृप्ति नहीं होते हुए सुख नहीं हो सकता। सुख जब होंगे उस विषय में आपकी तृप्ति हुई होती है, इसीलिए ये संतोष से ही अनुत्तम सुख लाभ होगा। ये सामान्य रूप से कह दिया, यहाँ सुख लाभ का मतलब सामान्य जो तृप्ति होने पर संतोष होने पर भी होता है। इसके लिए एक श्लोक देते हैं, यच्च काम सुखम लोगे यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्येदे नारहत षोडशी कलाम। जो लोग में काम से सुख होता है, कामना संबंधी सुख, और जो परलोक संबंधी दिव्य सुख है, और इन सब सुखों के सामने तृष्णाक्षयस्य सुखस्य एते नारहद षोडशी कला, ये सुख तृष्णाक्षय से होने वाले सुख के सामने सोलहवीं मात्रा भी नहीं है, बहुत कम। तो तृष्णाक्षय से जो सुख होता है वही उत्तम सुख है, उत्तम सुख लाभ तृष्णाक्षय से होता है। तत्त तृष्णा के क्षय होने पर तत्त काल में हमको सुख प्राप्त हुआ जैसा लगता है, तो वो भी तृष्णा क्षय से ही हो रहा है। यदि अत्यंत तृष्णा क्षय हो गया जिस काल में, तो वो उत्तम सुख लाभ होगा। तो ये संतृप्ति से ही होता है, तो तृप्ति को ही साथ में रखना, और तृप्ति अपरिग्रह और अस्थेय इनके साथ जुड़ा हुआ है। जो तृप्त नहीं है वो अपरिग्रह में स्थित नहीं हो सकता, जो अतृप्त है लोभी है वो अस्तेय में स्थिर नहीं हो सकता, वो चोरी जरूर करेगा, गोलमाल करेगा, वो अतृप्ति ही दिखाता है उसका, तो इसलिए ये भी संबंधित है। तो संतोष होगा जो मिला उसी से संतृप्त, अलग आगे प्रवृत्ति नहीं करना, जो हो गया उसी से संतृप्त रहे। अभी तपस का फल बताते, कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपसः, तपस का फल भाष्यकार ने स्वयं पहले कहा था, तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि जब क्रिया योग के बारे में कहा था, वहां कहा था न तपस्विनः योगः सिद्ध्यति, न अतपस्विनः योगः सिद्ध्यति, जो तपस्वी नहीं होगा उसको योग सिद्ध नहीं होगा। तो तपस क्या है ये भी बताया, द्वंद्व सहिष्णु, द्वंद्व को सहन करना तपस है। तो बोलता है तपस सिद्ध हो गया करके कैसे मालूम होगा, तो बोलते हैं काय इंद्रिय सिद्धि ही अशुद्धि क्षयात्, क्योंकि तपस से आपके अशुद्धि का क्षय होता है, रजस तमस कार्य का क्षय होता है, और पंच क्लेशों का क्षय होता है। तो पंच क्लेश तनुकृत होने से अशुद्धि क्षय हो जाता है, अशुद्धि क्षय से काय सिद्धि और इंद्रिय सिद्धि हो जाती है। शरीर अपने पूरे सामर्थ्य को बाहर प्रकट कर सकता है, शरीर में बहुत सामर्थ्य है, उसको परिस्फुटित करना पड़ेगा, उसको बाहर लाना पड़ेगा। इंद्रिय में भी अजय्य सामर्थ्य है, इंद्रिय का जो सामर्थ्य है उसको हम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उस वो जो है रजस तमस से विक्षिप्त है। रजस तमस से संबंध रहने के कारण इंद्रिय की शक्ति पूरे बाहर नहीं प्रकट हो रही, हम इंद्रियों के बहुत कम शक्ति को प्रकट करते। इंद्रियों के शक्ति को यदि ठीक से पहचानना है
तो आपको मन को शुद्ध रखना पड़ेगा, क्योंकि मन सहित ही इंद्रिय काम करते हैं, कोई भी इंद्रिय स्वतंत्र काम नहीं करते। मन के जैसी शुद्धता हो जाती है, मन में जैसे वीर्य आता है, सामर्थ्य आता है, वैसे तत्त्व इंद्रियों में भी सामर्थ्य होता है। इसीलिए उसके सामर्थ्य को बनाए रखने के लिए उसको ठीक ढंग से समझना पड़ेगा। और यह कहने का तात्पर्य नहीं है कि इंद्रिय का सामर्थ्य जो है मन के विक्षेप के बिना आपको निरंतर प्राप्त होगा, ऐसा नहीं होता है। मन विक्षिप्त होने पर ही इंद्रिय सामर्थ्य प्राप्त होगा, किंतु मन जब शुद्ध होगा तो वो इंद्रिय के सामर्थ्य को पूरे बाहर ला पाएगा। विक्षेप और इंद्रिय प्रवृत्ति मिला हुआ है, क्योंकि विक्षेप होने से इंद्रिय प्रवृत्ति होती है, किंतु शुद्ध मन यदि उस प्रकार से कार्य कर रहा है, मतलब विषयों के प्रति जा रहा है, विषय के प्रति चिंतन कर रहा है, इंद्रियों को प्रवर्तित कर रहा है, तो वो पूरे तरह से उसके साथ संबंध करेगा। पूरी तरह संबंध करने से उसका आप पूरे ग्रहण कर पाएंगे। किंतु एक बात यहां ध्यान रखना, आपका मन चंचल है, अशुद्ध है, और आप इंद्रिय से आदि प्रवृत्ति कराई तो इंद्रिय नष्ट हो जाते हैं। इंद्रिय नष्ट होते हैं, इंद्रिय नष्ट होने का मतलब इंद्रिय जिस गोलक से प्रवृत्त होता है उसमें क्षति आती है, क्योंकि वो स्थूल है। जैसे आंग है, आंग जो इंद्रिय है उसको आप कुछ नहीं कर सकते, वो अति सूक्ष्म है, उसको ना बढ़ा सकते ना घटा सकते। जब आंग कमजोर हो गया हम बोलते हैं तो आंग के गोलक है उसमें कमजोरी आती है, वो स्थूल है, वो पांच भौतिक स्थूल है। तो ये अंदर को समझना है, आपका गोलक अलग है, इंद्रिय अलग है। इंद्रिय अति सूक्ष्म है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें ऑपरेशन नहीं हो सकता है, ऑपरेशन तो ये बाहर होता है। वो जो इंद्रिय है उसको मन के साथ जोड़ने की बात ये कर रहे हैं। गोलक की रक्षा आपको शरीर की रक्षा से करना पड़ेगा, वो प्राण की रक्षा से, शरीर की रक्षा से ही गोलक की रक्षा होगी, इंद्रिय उससे नहीं है। इंद्रिय जब गोलक में काम नहीं कर सकती है तो इंद्रिय चुपचाप हो जाता है, फिर वो काम करना बंद कर देता है, गोलक काम नहीं कर रहा। जैसे बिजली तब जल सकती है, बल्ब को जला सकती है जब बल्ब ठीक है, तो बल्ब ठीक नहीं है, उसका फिलामेंट खराब हो गया तो बिजली होने पर भी कहाँ जलेगी, वो नहीं जलेगी, ऐसे होता है। तो कहते हैं निवर्त्यमानमेव तपो हिनस्ति अशुद्धि आवरणमलम् तद आवरणमल अपगमात् काय सिद्धि अणिमाद्याः। काय सिद्धि माने शरीर संबंधी सिद्धियां प्राप्तियां हैं, ये अणिमादि सिद्धि है, इनके बारे में आगे कहेंगे विभूतिपाद में, तीसरे पाद विभूतिपाद में 45वां सूत्र में इसके सारे में सिद्धि कहेंगे। तथा इंद्रिय सिद्धि, इंद्रिय सिद्धि क्या है, दूरा श्रवण दर्शन आदि, दूर से शब्द सुनाई पड़ना, दूर से दर्शन करना इत्यादि इंद्रिय में जो विशेष शक्ति आते हैं इसके बारे में भी विभूतिपाद में चर्चा होगी, 36 सूत्र में आएगा, तो ये वहां उसका विस्तार करेंगे। किंतु एक बात पहले पंक्ति में कह रहे हैं, देखो ये तपस्या के बारे में बात करते रहने से, तपस्या के बारे में श्रवण करते रहने से तपस्या नहीं होगी, ये नहीं समझना बार बार तपस्या 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 बोलते रहेंगे तपस्या हो जाएगी। है गाड़ी पकड़ के आया और उत्तरकाशी में आके रह रहा है और तपस्या की चर्चा कर रहे हैं, तो तपस्या होगी नहीं होगी, तो बोलता है कुछ कुछ ऐसा है, कुछ कुछ चर्चा से हो जाता है, कोई कोई बात चर्चा से प्राप्त होती है और कोई कोई बात करने से ही प्राप्त होता है, चर्चा से कुछ होने वाला नहीं, करना पड़ेगा। तो इसीलिए बोला निवर्त्यमानमेव तपः हिनस्ति अशुद्धि आवरण मलम। आप सुनते सुनते ये नहीं समझना बार बार तपस्या की बात कर रहे हैं तो ये बात करने से हमने सुन लिया तपस्या क्या है समझ लिया काम हो गया, व्रत क्या है समझ लिया तो काम हो गया, ऐसा गलती से भी नहीं समझना। तपस्या सुन के समझने की बात नहीं, करना भाई, उन्होंने आपने आप बोल दिया, क्योंकि बार बार बोलने से आप ऐसे समझ सकता है कि बार बार ये समझेंगे हम योग सूत्र को सुनेंगे तो तपस्या हो जाएगी,
नहीं, निवर्त्यमानमेव तपः हीनस्य अशुद्ध्यावत्। जिस तपस्या को आप आचरण करेंगे वही तपस्या अशुद्धि मल को क्षय कर सकता है। जानकारी मात्र से, तपस्या की जानकारी मात्र से नहीं होगा। ये भी हम बहुत गलत करते, हमको ये भी विवेचन नहीं है किसको सुन के समझना है और किसको करके समझना है, इसका विवेचन हमको नहीं है। हमको सुन के समझ करके आदत हो गया तो करके समझने वाली बात को भी हम सुन के ही समझ रखे, उतने से हम तृप्त हो गया, बस समझ लिया, ये ऐसा होता है। और बाद में बोलते तो जो करने वाला करेंगे वो तो उनका अपना प्रारब्ध है, हम तो समझ लिया, इससे इतना ही होता है। तो बोलते वो साफ साफ बोलते ऐसा नहीं, निवर्तमान ही इसका फल देगा। तो ये काय सिद्धि और इंद्रिय सिद्धि के बारे में चर्चा आगे करेंगे। अब आ गया स्वाध्याय। स्वाध्याय का फल देखिए कितना सीधा सीधा कह देते, स्वाध्याय से क्या क्या फल होता है। पहले तो बताया था स्वाध्याय का फल, ईश्वर प्रणिधान का फल बताया था, तब ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अंदराय भावश्च, एक फल वहां बताया था। फिर कहा था समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, इसी पाद में दूसरे तीसरे सूत्र में बताया। तो ये दोनों फल तो हो गया, इसके साथ अब ये तीसरे इस कोटि के जो अधिकारी है वो जिस स्तर से स्वाध्याय करता है उस स्तर में उसको कुछ और भी फल होता है, ये बता रहे। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्यायात, स्वाध्याय क्या है पहले कह दिया इसलिए दोबारा नहीं कह रहे। प्रणवादि मंत्रों का जब, तत्त्व देवताओं का मंत्रों का जब, अथवा जो मोक्ष शास्त्र है ऐसे सत शास्त्रों का अध्ययन, वेद पाठ और जो भी है क्या बोलते हैं शास्त्र नामादि पाठ, तो जो जो है ये सब स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। तो स्वाध्याय करने पर इष्ट देवता का संप्रयोग होगा, जो इष्ट देवता है आपके उसका दर्शन हो जाएगा। संप्रयोग, ये सांख्य जो है देवताओं को मानता है, किंतु सांख्य की मान्यता, देवताओं के जो मान्यता है वो शक्ति के रूप में है। वो तत्त्व इंद्रियों के देवता आदि संबंध मानते हैं, वो शक्ति के रूप में मानते हैं। यहां जो देवता संप्रयोग बोल रहा है, क्योंकि सांख्य से योग दर्शन के इन सूत्रों में यही अंतर दिखाई पड़ता है। जैसे सांख्य ने सीधा सीधा ईश्वर को नहीं माना, वो तो किसी प्रकार माना होगा, उनके अलग प्रक्रिया है, किंतु इन्होंने सीधा सीधा ईश्वर को माना है और देवताओं को भी माना, देवताओं को इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं ये भी माना। तो इसका मतलब ये साकार देवताओं का भी ग्रहण कर रहे हैं, जो साकार देवताओं भी हो सकते हैं ऐसा। यद्यपि आगे या पीछे इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता, और जितने भी हमारे प्राचीन टीकाएं हैं संस्कृत के उसमें भी इसमें साफ साफ कोई सूचना नहीं मिलती है कि ये साकार देवताओं को माना है ऐसा योग शास्त्र, किंतु ये सूत्र से पता चल रहा है ईश्वर से इन्होंने अलग कर दिया। ईश्वर प्रणिधान से जो फल हो रहा है वो तो वहां कर दिया, बोला था और उनका लक्षण भी कहा था, क्लेश कर्म विभाग आशेर अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वर, ये कहा था। तो अब यहां इष्ट देवता को ही अलग कर रहा, तो इससे ये तो निकलता है कि शक्ति के रूप में होने पर भी इन्होंने ईश्वर से भिन्न और पुरुष से कुछ विलक्षण शक्ति रखने वाले साकार देवताओं को भी स्वीकार किया है। ये सांकल्पिक जो देवताएं होते हैं जो शास्त्र में सुनाए पड़ते हैं उनको स्वीकार किया है, और जो वेद में देवताओं की बात है इसके लिए बहुत अब चर्चा है कि पूर्व मीमांसा कुछ और प्रकार से मानते हैं, शक्ति के रूप में मंत्रात्मक रूप में मानते हैं, और बाद में उसका परिणाम रूप से पुराणों में जो आ गया उसमें तो साकार मनुष्य के रूप में लेकर के मानते हैं, तो इत्यादि में बहुत सारे भेद है।
किंतु यहां देखिए इष्ट देवता संप्रयोग, इष्ट देव के साथ संप्रयोग, संप्रयोग मतलब सम्यक प्रकार से योग मेलन। तो सम उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है और योग शब्द है। तो संपूर्णतया प्रकर्षेण योग मेलनम दर्शन उसका हो जाना, मेलन हो जाए इष्ट देवता के साथ। तो बोलते हैं क्या क्या होता है, भाष्यकार थोड़े से बोलते हैं इसके बारे में। देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दर्शनं गच्छन्ति। सीधा बोलते हैं कि देवता भी इसके दर्शन में आ सकता है और ऋषयः ऋषि भी दर्शन दे सकते हैं और सिद्धाश्च सिद्ध हो गए हैं वो भी दर्शन दे सकता है। कार्ये च अस्य वर्तन्ते और इसके कार्य में मदद भी करते हैं। ये इन्होंने स्वीकार किया, ये जो कार्य कर रहा है, साधन कर रहा है, जो लक्ष्य के लिए साधन अपनाए हुए हैं, आगे बढ़ रहा है, इसके लिए ये ऋषि देवता सिद्ध इनको मदद करते हैं स्वाध्याय करने से। तो स्वाध्याय करने से ऋषियों का आशीर्वाद होता है, ये तो वेद में स्वीकार किया है। स्वाध्याय तो ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए स्वाध्याय किया जाता है, इसलिए स्वाध्याय से ऋषियों का संबंध तो है ही सीधा। और देवताओं का नाम हम लेते हैं तो उनका दर्शन भी हो सकता है। ये किस प्रकार दर्शन देंगे इसके विषय में आगे हम विचार करेंगे, क्योंकि दर्शन कहते समय ये भी नहीं सोचना है कि देवता कोई मनुष्य के आकार में आके खड़ा हो जाएगा, आपसे बात करेंगे, ऐसा नहीं है। वो जिस रूप में आ सकते हैं इसका पूरा विश्लेषण करेंगे हम, विभूति बाद में इसके संबंध में चर्चा आएगी तब करेंगे। तो ये देवताओं का दर्शन इस प्रकार हो सकता है। वो मन के साथ भी, आपका मन के साथ संबंध है, आपका सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध है, सूक्ष्म भूतों के साथ संबंध है, तत्त्व आकार देवता कैसे प्राप्त करते हैं और आपको वो आकार में कैसे दिखता है, ये सारे की प्रक्रिया है। यहाँ तो सामान्य बोल दिया इष्ट देवता का संप्रयोग हो सकता है, ये इसका फल। अब जो है ईश्वर प्रणिधान का फल बता रहा, स्वाध्याय का फल के बाद अंत में ईश्वर प्रणिधान आने नियम में है। समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्, समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधानात् समाधि सिद्धि, ईश्वर प्रणिधान से समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। ये समाधि क्या है ये अष्टांग योग में आगे बताएंगे। और समाधि सिद्धि होने पर बाकी जो आगे का कार्य है उसमें विवेक ख्यादि हो जाना, रदम भरा प्रज्ञा हो जाना और फिर उसमें स्थित होना, जो स्थिति प्राप्ति, तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यास जो का स्थिति की प्राप्ति, ये सब क्रमशः आगे होंगे। किंतु यहाँ एक बात ध्यान रखना है, ये जो ईश्वर प्रणिधान से सीधा समाधि का फल बोल रहा है इसका ये मतलब नहीं अहिंसा आदि यम नियमों की आवश्यकता नहीं, केवल ईश्वर प्रणिधान से होगा ऐसा नहीं। ईश्वर प्रणिधान पूरा होने के लिए आपको यम आदि के सारे की आवश्यकता है और आगे जो साधन बताए जा रहे हैं उनका भी इसके साथ संबंध है। अष्टांग योग में कोई भी साधन स्वतंत्र साधन नहीं है, वो सारे साधन एक से दूसरे जुड़े हुए। इसलिए ईश्वर प्रणिधान कर दिया इतने मात्र से आपको हो जाएगा ईश्वर प्रणिधान, तब तक आप पूरा कर ही नहीं पाएंगे जब तक ये पूरे पहले यमादि सिद्ध नहीं होगा। यमादि के साथ संबंध नहीं है, क्लेश तनुकरण नहीं है तो ईश्वर प्रणिधान नहीं हो सकता। आपकी अस्मिता बहुत दृढ़ बनी हुई है, आप ईश्वर प्रणिधान कैसे करेंगे? आपके अविद्या है, विपर्य ज्ञान है, भ्रम है, मोह है, काम है, क्रोध है, ईश्वर प्रणिधान कैसे करेंगे? और जो अभिनिवेश है, अभिनिवेश आपके अंदर बैठा हुआ है, आप ईश्वर प्रणिधान नहीं कर सकते। तो ईश्वर प्रणिधान में राग भी द्वेष भी कुछ भी काम नहीं करेगा। तो ये सब तनुकृत होना आवश्यक है। ये सब तनुकृत कब होगा? इस अधिकारी के लिए तो यमादि से ही होगा, अन्य कोई रास्ता नहीं। और दूसरी बात, हमारे इस ईश्वर प्रणिधान का कुछ विशेषता ये है,
लोग कहते हैं आप काम करो बाद में ईश्वर में समर्पित करो। ये ईश्वर में कब समर्पित करना है? काम करने के पहले समर्पित करना है, काम करने के बाद समर्पित करना है, काम करते हुए समर्पित करना है? तीन विकल्प है। ये सोचा होगा आप लोग सब, तो कर्मियों के बारे में सोचते हैं कैसे करेंगे, कब करेंगे। तो वो तो बोलते हैं कर्म किया, कर्म भगवान में समर्पित करो बोलता है। तो काम करने के पहले करेंगे क्या? पहले करेंगे या काम करने के बाद करेगा? पहले नहीं, काम करने के पहले करेंगे समर्पित, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। काम करने के पहले आपके पास काम है ही नहीं तो कहां समर्पित करेंगे? तो हाँ, तो काम करने के सोच को आप समर्पित कर सकते हैं। काम करने के सोच को यदि समर्पित कर दिया तो काम होगा नहीं, तो इसीलिए पहले संभव नहीं दिखता है। यदि भी बोल सकते हैं किंतु वो पूरा नहीं है, इसमें बहुत कमी आएगी पहले करने से, क्योंकि योग हो ही नहीं सकता पहले आपने समर्पित कर दिया। ये बोलता है जब इच्छा नहीं है तो इंद्रिय प्रवृत्ति नहीं होती। भगवान में समर्पित होने की इच्छा आपने रखा तो समर्पित पहले फल को कर दिया तो आपके करने में कुछ अंदर पड़ेगा, तो इसलिए पहले की बात तो मुश्किल लगता है, ठीक नहीं है, पूरा नहीं हो पा रहा। और बाद में ये तो अन्य सारे धार्मिक लोग धर्म में यही कहता है कि कर्म कर दिया कोई बात नहीं, अभी भगवान में समर्पित कर। तो प्रश्न ये है कि कर्म पूरा होने के बाद ये कहां रहेगा तब समर्पित करने के लिए आपके पास? निवृत्तमान कर्म, आप कर्म को प्रवृत्त करके निवृत्त कर दिया, उसके बाद एक कर्म कहां रहेगा जिससे आप समर्पित करेंगे? उसके स्मृति रहेगी, तो यही तो हो सकता है। सीधी सीधी बात है, कर्म आपने किया करके उसके स्मृति रहेगी। आप भगवान को कर्म को समर्पित करना चाहते हैं कि कर्म का फल समर्पित करना चाहते हैं कि कर्म के स्मृति को समर्पित करना चाहते हैं? कौन सी चीज समर्पित करना चाहते हैं? फल समर्पित करना है। आप देखिए इस पर विचार करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हमारा काम आएगा बहुत। ये फल को समर्पित करना है समझ लो। अब कर्म आपने पूरा कर दिया, कर्म पूरा कर दिया तो फल उत्पन्न हो गया नहीं हो गया? अभी दिखाई ना पड़े वो तो बात अलग है, फल उत्पन्न हो गया मानना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का स्वभाव ऐसा है, कर्म एक परिणाम है, वो परिणाम पूरे होते ही वो परिणाम का असर दिखाई पड़ेगा। जैसा आपने भात पकाना शुरू कर दिया, जैसे आपके साथ भात का बर्तन के साथ संबंध हो गया, तब से पकना शुरू हो गया, वो पकना जो फल जो है निरंतर प्रवृत्तमान है, और जब पूरे हो जाते तब आप फल तैयार करते। कर्म भी ऐसा है कि जैसा आपने कर्म करना, कोई भी कर्म करना आरंभ कर दिया, फल तो वहां जारी शुरू हो गया, किंतु पक कर के तैयार होके आपके सामने नहीं आया तो आप बोलते हैं अभी नहीं आया, किंतु कर्म काल इसके अंदर कोई अंतराल नहीं है, मतलब कर्म पूरा हो गया फिर एक घंटे के बाद उसका फल बनना तैयार हो जाएगा, ऐसी बात नहीं मान सकते। ये कर्म थियरी से तो बनेगा नहीं। वो इसीलिए कर्म फल पूरा, कर्म को पूरा करने के बाद जो फल को आप भगवान में समर्पित करना चाहते हैं वो फल अभी कहां रहेगा, ये समस्या। जो स्मृति आपके पास है वो कर्म के संबंध में स्मृति है, कर्म फल के संबंध में स्मृति नहीं। कर्म फल तो आप चाहते थे, अब वो कैसा होगा क्या है वो तो आपके मन में आया नहीं है, क्योंकि वो प्रकट हुआ नहीं अभी। तो स्मृति कर्म के संबंध में है, उस स्मृति को आप समर्पित नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो कर्म है। कर्म को भी समर्पित कर सकते, किंतु कर्म को समर्पित करने का अर्थ कर्म फल को ही समर्पित करना है। तो ये कर्म निवृत्ता निवृत्तमान होने पर कर्म फल कहाँ रहेगा, ये समस्या आती है। ये कर्म फल न हवा में रह सकता है, न आकाश में रह सकता है, न कर्म भूमि में रह सकता है, न कोई देवता में रह सकता है,
या जिस वस्तु से जिस यंत्र से आपने कर्म किया उस यंत्र में रह सकता है, या कर्म फल बेचारा कहाँ रहेगा जो आप समर्पित करेंगे? वो आपके अंदर ही रहेगा। कर्म फल यदि रहेगा तो बाकी किसी में रहने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि कर्म किया हुआ कर्ता चेतन है, वो चेतन कर्ता में ही वो रहेगा, कर्णों में नहीं रहता है और कहीं जगह उसको रहने को नहीं है। कर्म फल रहेगा तो आपके अंदर रहेगा, आपके अंदर मतलब आपके शरीर में नहीं रह सकता, आपके प्राण में भी नहीं रह सकता, प्राण जड़ है, शरीर जड़ है, तो कहाँ रहेगा? जो प्रतिबिंबित मन है वो मन में ही रहेगा, मन में रहेगा। मन में कैसा रहता है? कर्म के आकार में रहेगा, कर्म मतलब कर्म जो किया जिसका जो है इंद्र आदि जो जो आपने चेष्टा की सारे चेष्टा के रूप में रहेगा, क्योंकि वो तो रह नहीं सकता, वो तो कर्म में हो गया, कर्म बल नहीं, वो कर्म है, ये या उसका कारण है, यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट्स है, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में भी नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में भी नहीं रहेगा, और आपके रूप में रहेगा मतलब आप करता है, सब्जेक्ट के रूप में भी नहीं रहेगा। फिर कहते कैसे रहता है? ज्ञान मात्र के रूप में रहेगा तो आपको वो कर्म का फल स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। तो आपको शास्त्र से पहले भी मालूम है, वो पहले से ये कर्म का फल मालूम है ना? कभी कभी जो कर्म हम करते हैं जो शास्त्र का जो फल कहता है उससे अतिरिक्त भी होता है। अतिरिक्त मतलब उसमें कोई कमी आ गया, वो फल उस आकार को लिया है नहीं लिया कैसे आपको पता चलेगा? तो वो फल ऐसा ही हो रहा है तो जो कर्म हम किया उसी का फल वैसा ही होगा। तो ये कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है ये तो आपको पता नहीं, ये पता नहीं है तो मतलब आपको वो ज्ञान के रूप में भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। सच्चाई है, कर्म करने के बाद वो फल हमारे अंदर आया करके कहाँ हमको दिखाई पड़ रहा है? अपूर्व रूप से रहेगा, ये सही है, ये अपूर्व रूप से रहेगा, इसलिए वो संस्कार रूप से जाएगा। हमको दिखाई नहीं पड़ने से तात्पर्य वो संस्कार रूप में जाएगा, अपूर्व रूप से जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसीलिए ये मन के वृत्ति रूप में भी नहीं, ज्ञान के रूप में भी नहीं, और इंस्ट्रूमेंट के रूप में नहीं, सब्जेक्ट के रूप में नहीं, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं, किसी रूप में नहीं, अदृष्ट के रूप में है, अदृष्ट उसको हम कहते हैं, वो संस्कार के रूप में रहेगा। अब समस्या है, संस्कार के रूप में जो कर्म का फल है वो आपके हाथ में नहीं है, जिसको आप समर्पित करें। वो तो हमने पहले कहा संस्कार के रूप में जो है उसको समर्पित करने का आपका हाथ में नहीं है। यदि वो संस्कार को आपको समर्पित करना है तो वो संस्कार में आपको पहले ये मसाला इंजेक्ट करना पड़ेगा कि ये समर्पित होना है, नहीं तो संस्कार में जाने के बाद आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उसका फल अवश्य होगा। इसीलिए ये दो पक्ष कट गया, इसके लिए हमने विचार किया, कर्म के पहले समर्पण नहीं हो सकता, कर्म के बाद भी समर्पण होना समस्या है, बहुत कठिन है, नहीं हो सकता। जो बोलते हैं वो इसके थियरी को काट करके बोलते हैं, नहीं हो सकता। कब होता है? प्रतिक्षण कर्म करता हुआ आप ईश्वर में समर्पित करेंगे। ये वर्तमान कर्म जो कर रहा है, वर्तमान कर्म के प्रतिक्षण समर्पित करना, ये योग के सिद्धांत में ईश्वर समर्पण निधान है। अब देखिए ये बहुत सुंदर है, अब जब ईश्वर को याद करते हुए ही आप प्रतिक्षण कर्म कर रहा है तो आपके कर्म का जो गति है, आप कर्म जो कर रहे हैं वो किस तरफ ले जा रहे हैं? आपके मन बिल्कुल एकाग्रता की तरफ जाए, क्योंकि ईश्वर का जो स्वरूप है, भगवान के साकार निराकार कोई भी स्वरूप आप मान लीजिए, वो आपके अस्मिता आदि अविद्या आदि दोष से अचूता है, तो उस भाव से आप यदि कर्म कर रहे हैं तो आपके मन निरंतर समाधि के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि प्रेस कैसे तनुकृत हो रहा है ये बता रहा हूं ईश्वर प्रतिपन्निधान से, बिल्कुल इनके प्रक्रिया वो सही चीज को पकड़ के बोलता है। ये कठिन है, कठिन क्या, अत्यंत कठिन है। जब तक आप अपने कर्तृत्व को भूलेंगे नहीं, कर्तृत्व को छोड़ेंगे नहीं, अस्मिता को कम नहीं करेंगे, तो प्रतिक्षण ईश्वर को स्मरण करता हुआ कोई कार्य करना आसान नहीं है। किंतु सच्चाई में यह है कि ईश्वर समर्पण यदि कर्म का फल आप चाहते हैं तो कर्म करते हुए ही यह मसाला को सर मिलाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का फल आपका संस्कार में ही रहेगा। संस्कार में ईश्वर समर्पण को आपने नहीं मिलाया तो वो ईश्वर समर्पण नहीं हो सकता, वो आपके पास लौट के आएगा।
क्योंकि संस्कार होने के पास वो जड़ है। ईश्वर के पास कोई किताब ही रखा नहीं। लोग बोलते हो ईश्वर के पास सब किताब रखता है, कौन कैसा किया है, ये किताब की बात नहीं, ये सब कल्पना से हम बोलते हैं, ईश्वर जानता है बोलने के लिए। किंतु कोई भी कर्म का फल, उस कर्म का फल आपके पास नहीं चाहिए तो आपको उस कर्म के फल में, उस कर्म में अस्मिता नहीं चाहिए। अस्मिता के साथ अस्मिता रूप मसाला आपने मिला दिया और कर्म किया तो वो आपका ही हो गया, बाद में वो ईश्वर को आप काट करके नहीं डाल सकते। तो ईश्वर की भावना करेंगे तो वहां क्या होता है, प्रतिक्षण ईश्वर की भावना करते कर्म करेंगे तो वो आपके अस्मिता वहां नहीं है, अहंकार नहीं है, क्योंकि मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं। तो आपके अहंकार 0% हो जाता है, कम से कम हो जाता है। शरीर आदि प्रवृत्ति के लिए जो सामान्य रहता है उतने कर्तृत्व ही वहां रहता है, और विशेष विशिष्ट कर्तृत्व जिसको कर्म के प्रति कारण, मुख्य कारण माना है मीमांसकों ने, विशिष्ट कर्तृत्व, ये विशिष्ट कर्तृत्व नहीं हो सकता। विशिष्ट कर्तृत्व नहीं होने के स्थान पे आप ईश्वर को, ईश्वर समर्पण को कर रहे हैं, इसीलिए आपके कर्म करते समय ईश्वर समर्पण भी आ गया, आप पूरे ईश्वर में समाधि लगा दिया और उसका फल में भी फल अदृष्ट हो जाएगा और वो ईश्वर समर्पित रहेगा, तो फिर आपके साथ वो जुड़ नहीं सकता, क्योंकि उसमें वो मसाला नहीं मिला है जो आपके साथ जुड़ने वाला था, कर्तृत्व नहीं मिला है। इसलिए बहुत सुंदर इनकी प्रक्रिया है कि ये देखिए, प्रतिक्षण ईश्वर समर्पण की बात यदि सब कर्म में आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको शुरू में धीरे धीरे से एक एक कर्म को चुनना पड़ेगा, जो जिस कर्म में आप ज्यादा आसक्त है उन कर्मों को चुन करके आपको प्रक्रिया आरंभ करनी पड़ेगी। ये बहुत लंबा समय लेता है और धीरे धीरे ही आप अपने स्वाभाविक कर्मों को भी समर्पित कर सकते हैं। पहले पहले तो विशिष्ट कर्मों में आपको ईश्वर समर्पण करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जैसा आपने कोई विशेष कर्म किया तो ये भी ईश्वर के लिए कर रहा। विशेष कर्म आपका क्या होता है, खाने के लिए कमाना होता है और कुछ नहीं। खाने के लिए जो कमा रहे हैं ये आपके जीवन का सबसे विशिष्ट कर्म है, क्योंकि उसमें ज्यादा कर्तृत्व तो रहता है। मैं ऑफिसर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं व्यापारी हूं, मुझे इतना पैसा कमाना है, ये सब जो करके आप शुरू कर रहे हैं सामान्य व्यक्ति के लिए वही विशिष्ट कर्म है, वो वहीं से लेके शुरू करना पड़ेगा। जितना स्वाभाविक कर्म होता है नित्य में जो स्वाभाविक आप खाना पीना इत्यादि करते हैं, इसमें ये विशिष्ट कर्म नहीं, सामान्य कर्म है, मतलब जो पशु आदि भी करते हैं उसको हम सामान्य कर्म कह रहे हैं। पशु आदि को भी उसको करना पड़ता है, खाना पीना इत्यादि करना पड़ता है। विशिष्ट कर्म आपका ये बोधपूर्वक जो कर्म होता है उसको पहले समर्पित करके अभ्यास करिए, धीरे धीरे आपका प्रतिक्षण ईश्वर का चिंतन होगा और ईश्वर का ज्ञान आपको शास्त्र से प्राप्त होगा, शास्त्र के निश्चय से ईश्वर का समर्पण पूरा हो जाए। इसीलिए तत्काल करना है, कार्य करते हुए करेंगे तब समाधि लेंगे, ठीक है। तो कर्म का समर्पण हुआ ना, हमारा जी फल का समर्पण नहीं होगा। फल गीता के 12वें अध्याय में अगर हम देखते हैं, उसमें लास्ट के दो बताए जो उसमें जो उन्होंने कि कर्म मुझको स्मर्प करो, मैं कभी समय नहीं, हां जी कर्म हमें समर्पित करो, और नेक्स्ट स्टेप में बोला अगर वो नहीं कर सकते तो फल मुझे समर्पित, बिल्कुल उन्होंने अलग करके बोला, क्योंकि अलग करके इसलिए बोला, वो इस दृष्टि से नहीं बोला, उन्होंने ये सामान्य दृष्टि से भगवान गीता में जितने विकल्प दे रहे हैं वो सामान्य दृष्टि है। अब वो फल को आप समर्पित करने का अर्थ होता है, फल बाद में यदि उत्पन्न हुआ फल को कर रहे हैं ऐसा आपको सोचना पड़ेगा, बाद में उत्पन्न हुआ फल को, तो वो अंतिम विकल्प के रूप में दिया, क्योंकि आप कर्म करते हुए ये जो प्रक्रिया अपनाना बहुत कठिन है, इसीलिए समर्पित करते हैं। अब अभी देखिए वहां प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें कमी क्या रह जाते हैं कि कर्म करते हुए आपका कर्तृत्व बोध में आपका अभिनिवेश कर्तापन रहा, तो ये क्या बोलता है, मतलब कर्म का सामान्य नियम क्या बोलता है, जो कर्ता होगा उसके साथ संबंधित कर्म का, ये थियरी सारे प्रदर्शन शास्त्र का। भगवान ने आपको अंतिम ऑप्शन दिया कि आप कर्तृ कर्म करने के बाद मेरे लिए समर्पण करो, ये बोला, क्यों तब वो बाद में आप उसको वृत्ति को बनाएंगे, वो स्मृति रूप वृत्ति को बनाएंगे, और वो कर्म कौन सा होगा, जिस संकल्प से आपने कर्म आरंभ किया। फल के बारे में आपको पता नहीं है, फल क्या होगा मालूम नहीं है, किंतु जिस संकल्प से आपने फल कर्म आरंभ किया वो फल को वहां बोल रहा, वो तुम मेरे लिए मत सोचो,
मेरे मैंने अपने लिए मत सोचो, मेरे लिए सोचो। तो ये उन्होंने अंत में कहा, वो और कोई ऑप्शन नहीं होने से। किंतु प्रक्रिया के अनुसार उसको बिठाना बहुत मुश्किल होता है। प्रक्रिया तो यही है कि कर्म करते समय जो भावना से आप करेंगे वही उसका फल होगा। ये तो शास्त्र सामान्य नियम कहता है, जिस भावना से आप कर्म करेंगे वो फल होगा। तो आप कर्तृत्व भावना से कर्म कर रहे हैं तो उस कर्तृत्व संबंध कर दिया तो वो फल आपके पास आए। भगवान की भावना से यदि कर्म किया तो आप वो भावना करेंगे तो वो आ जाएगा। द्वेष से करेंगे तो द्वेष आ जाएगा, क्रोध से करेंगे तो क्रोध आ जाएगा। तो ये भावना तत्काल होता है। अब वहां वो नहीं होने पर उन्होंने अलग कर दिया, पहले सोचो बाद में सोचो इत्यादि सब कहा, वो सामान्य बुद्धि के लिए है। किंतु प्रक्रिया यही है कि बाद में सोचना, बाद में उसको समझना, पूरे कर्म का स्वरूप को समझना व्यक्ति के लिए असंभव है। इसलिए करते समय जो हमें कर रहा हूं मेरे द्वारा नहीं हो रहा है वो भगवान के समर्पण में ही हो रहा है, ऐसा बुद्धि ला सकेंगे तो व्यापक बुद्धि हो जाएगी, जिसको उपनिषदों में विराट उपासना के लिए, हिरण्यगर्भ उपासना के लिए और कर्ता भाव से जो भी आता है मैं ही ये सब कुछ हूँ इत्यादि भावना लाने के लिए बहुत कुछ बोला है। विभूति योग में भगवान दशमाध्याय में भी जो जो कहा तो वो सारे इस दृष्टि से कहा, मतलब इसके व्यापकता लाने पर। हम तो उस स्तर पर कह रहे कि जिसका जिसके प्रक्रिया में फल का स्वरूप कहाँ रहे, वो प्रक्रिया में जो फल का स्वरूप रहेगा, क्योंकि यहाँ स्वरूपदा भगवान और आप अलग नहीं। तो भगवान को एक व्यक्ति विशेष मानेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने इतना कम किया इसका ये फल है, ये आपको समर्पित है। ये बहुत स्थूल दृष्टि है, सामान्य लोगों के लिए स्थूल दृष्टि आवश्यक होता है इसलिए वो इस दृष्टि से कहते हैं। किंतु स्वरूपदा आप देखेंगे तो जो कर्तृत्व का अभिमान आपके अंदर है वही आपकी अविद्या है, और जो कर्तृत्व को छोड़ने पर जो शेष है वही आपका स्वरूप है, और उस स्वरूप में भगवान का स्वरूप में अंतर नहीं। तो वो आप जो अकर्तृत्व भाव को हटा दिया, नहीं कर्तृत्व भाव को हटा दिया तो जो स्वयं प्रकट अकर्तृत्व भाव है वो वहां आपको फल नहीं दे सकते। इसीलिए यह थियरी जो तत्काल होने वाली जो इनकी थियरी है यह ठीक बैठता है, तो वो आगे पीछे हो जाता। भगवान तो इतने कृपालु है तो उन्होंने बहुत सारे साधनों का ऑप्शन दिया। अब इसीलिए ही गीता में कंफ्यूजन भी बहुत होता है कि ज्ञान का भी ऑप्शन दिया, कर्म का भी ऑप्शन दिया, कर्मयोग का भी ऑप्शन दिया, अभ्यास का भी ऑप्शन दिया, और क्या क्या योग करने के लिए भी बोला, क्या क्या प्रकार से क्या क्या उन्होंने बताया। तो सारे उन्होंने समेट लिया, क्योंकि कोई भी जो भी अधिकारी होगा जहाँ से भी शुरू करता है उसको आगे बढ़े इस दृष्टि से। इसलिए इसको इस प्रकार चिंतन करिए तो तब ये ईश्वर प्रणिधान का माने कहां जहां भी जिस शास्त्र में ईश्वर प्रणिधान बोल रहा है उसका यथार्थ आपको समझ में आए तो समाधि प्राप्त हो जाएगी, ऐसा उन्होंने फल कहा। इसलिए कहा कि वो क्लेश तनुकरण के बिना समाधि प्राप्ति नहीं है, इस प्रक्रिया से क्लेश तनुकरण हो जाए। ओम पूर्णमदः।